दोस्तों, सत्य और सादगी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उसको आपको सजाना संवारना नहीं पड़ता है। जो चीज़ें होती हैं वो आपके सामने होती हैं, लेकिन एक बात होती है कि अगर आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी झेलना पड़ता है, थोड़ी समस्याएं जरूर आती है, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ समय के बाद आपको सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाले, और बकरी पालन में भी कमोबेश यही स्थिति है जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो आज आप यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, और यहाँ से एक बात तो पक्का है कि अगर आप सही तरीके से ब्रीडिंग पे काम करते हैं तो बकरी पालन जो है आपके लिए एक फ़ायदे का व्यवसाय थोड़े समय में हो सकता है। मैं बता दूं कि जिस फार्म में मैं खड़ा हूं, इस फार्म की शुरुआत लगभग 6 वर्ष पहले मात्र 10 बकरियों से शुरुआत हुई थी, और आज महज लगभग 500 की संख्या है, बड़े छोटे मिलाकर 100 मदर गोट और 400 बच्चे हैं, और वो बच्चे आते हैं और काफ़ी अच्छी कीमत पे जो हैं वो बिकते हैं। तो आप आज यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन बकरी पालन में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही बकरी पालन को जो बकरी पालन में जो चीज़ों को इन्होंने सीखा है पिछले 6 वर्षों में, वो सब कुछ बताएंगे कि बकरी पालन का क्या मूल मंत्र है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बकरी पालन में शेड कैसा होना चाहिए, उसका अगर बकरी अगर जानवर आपके पास हैं तो उसका एक संतुलित आहार क्या होना चाहिए, अगर आपके फार्म में ब्रीडर है तो उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, मदर गोट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, समय समय पर कैसे आपको वैक्सीनेशन करना है, बकरियाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या आपको खास ख्याल रखना है, और प्रसव के दौरान किन चीज़ों की सावधानियाँ आपको बरतनी है, और अगर मेमने लास्ट में आ गए तो उसका कैसे अगले 25-30 दिनों में आपको ख्याल रखना है। और ये सब अगर मूल मंत्र अगर आप जान गए दोस्तों, तो बकरी पालन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, हमारे फार्म पे आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है सर। बातचीत के क्रम में आपने बताया कि 6 वर्ष पहले बकरी पालन की शुरुआत करी और महज 10 बकरियों से शुरुआत किए थे, और आज लगभग 500 के आसपास आपके पास संख्या है। जी सर, 10 बकरी कम नहीं होती सर, 10 बकरी बहुत होती है। 10 बकरी को अगर पाले तो कम से कम अगर छोटे ब्रीड पर काम करें तो साल में 40 बच्चे देती है। 40 बच्चों को अगर बचाएं तो आगे वो कितना बढ़ेंगे आप खुद सोचिए, कि अगर 4 गुना एक साल में ग्रो कर रहे हैं तो आगे कितना बढ़ेंगे। बस ये है कि कुछ लोग 10 बकरी से आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग 100 भी ला के ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे यही ज़रूरी है कि आपको पूरा परिपक्व होना ज़रूरी है, आपको मतलब प्रशिक्षित और ट्रेंड होना ज़रूरी है, एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। जी, जानकारी होना ज़रूरी है। तो उससे क्या है, आप कितना 10 से कितनाओं की संख्या को आप टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों के पास पेशेंस की कमी है। जी, पेशेंस की बहुत कमी है। देखिए, गोट फार्मिंग आप करेंगे तो ये जिंदा चीज़ है, जीवित चीज़ है, पशुपालन, हाँ, लाइव स्टॉक का काम है, पशुपालन है, तो इसमें परेशानियाँ कभी कभी आएंगी, चाहे मौसम की वजह से, चाहे आप वैक्सीनेशन आपका कोई शेड्यूल मिस हुआ है उसके वजह से, या मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है पेट से संबंधित, क्योंकि बकरियाँ खाने पीने वाली जानवर है, तो उसके वजह से आप यहाँ पर हमेशा 24 घंटा तो रह नहीं सकते, वर्कर रहते हैं, उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो परेशानी आएंगी, तो उसको आप माइंड मेकअप करके चलिए कि आएंगी, तो उसके हिसाब से आपको माइंड सेट बना के रखिए कि उसको फेस करना है। अब उससे घबराएंगे तो लोग बीच में पेशेंस धैर्य उनका ख़त्म हो जाता है, जिससे वो अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। सर, आप तो इंजीनियर हैं, अच्छा खासा काम भी कर रहे थे, तो वहाँ से अच्छे चीज़ों को छोड़कर लोग इंजीनियर को बहुत अच्छा मानते हैं, और उसको छोड़कर बकरी पालन में क्यों आए? जी, इंजीनियरिंग की नौकरी ठीक है, इंजीनियरिंग को अच्छा मानते हैं, अच्छा है भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको देखिए ये बोला जाता है, पहले भी बड़े बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बिजनेस करना ज़रूरी है, अगर आपको आगे जाना है, बड़ा काम करना है तो बिजनेस में ही ज़्यादा पैसा है, आप भी देख सकते हैं, हर कोई जानता है। तो इसलिए मैंने इसको चुना, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था, और मैं जैसे राजस्थान में जॉब करता था, वहाँ पे मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में था फील्ड में, तो वहाँ पे देखा मैं कि गोट फार्मिंग से वहाँ का जीवन बहुत लोगों का अच्छा चल रहा है, और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, साल में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और उनकी बकरियाँ ग्रेजिंग पे कम कॉस्ट में अच्छा कमा रहे हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग को भी लगा कि हाँ, इसको हम लोग, वो लोग ग्रेजिंग कर रहे हैं, हमारे पास ज़मीन है तो हम हरा चारा बो के उसको अच्छा फीडिंग करके और कम बजट में ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो उसको हम लोग कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हैं हम लोग। मेन बात पे आते हैं, जो बातचीत के क्रम में आपने बताया और पिछले 6 वर्षों में जो आपका अनुभव है, हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक जो आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं वो भी ऐसे काम करें, ताकि उनके लिए भी बकरी पालन एक फ़ायदे का व्यवसाय हो, न कि नुकसान का। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपने जो कुछ मूल मंत्र बताया है और बोर्ड भी आपने लगा के रखा हुआ है, तो उस पर बात करते हैं सर, कि सबसे पहले बकरी पालन अगर लोग करें तो कैसे उसका शेड का निर्माण करना चाहिए, इस पर बताइए।
सेट का निर्माण देखिए, सब हर किसी के अपने ज़मीन और अपने बजट के हिसाब से होता है। मैं ये किसी को ये नहीं बोल सकता तो आप ऐसा ही बनाइए तो लोग फार्मिंग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, सब मिला जुला के ये होना चाहिए कि बकरी को जो चाहिए, जैसा सेट चाहिए, जैसा रख रखाव चाहिए, वैसा होना चाहिए। छप्पर का भी अगर खूब अच्छा उसको रहने के लिए अच्छा बनाएंगे, कम्फर्टेबल, कि गर्मी या मौसम या सर्दी बरसात सबका असर कम पड़े उसके ऊपर, तो बकरी वहाँ भी खुश रहेगी और अच्छा ग्रो करेगी। बकरी को स्ट्रेस फ्री करना होता है। देखिए, गोट फार्मिंग ऐसा चीज़ है, बकरियों को या कोई भी जानवर हो, अगर उसको स्ट्रेस फ्री रहेंगे, या आदमी को भी देखिए, अगर स्ट्रेस में रहता है आदमी तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो वैसे ही है, अगर स्ट्रेस फ्री अगर बकरी रहेगी, तनाव से उसको मुक्त रखिए, उसको आज़ादी दीजिए, उसके हिसाब से उसको रहने दीजिए, लाइफ उसका ईजी बनाइए, तो उससे क्या होता है कि बकरी के अंदर ऐसा इम्यूनिटी डेवलप होता है, लेवल अच्छा होता है, तो क्या होता है कि वो बड़े से बड़े बीमारियों को खुद लड़ लेती है, मैक्सिमम बीमारियों से खुद लड़ लेती है। आपको पता भी नहीं चलता उसको क्या हुआ, कब हुआ, कैसे ठीक हो गई। और इम्यूनिटी डाउन रहेगा अगर उसको आप स्ट्रेस में डाल कर रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, जैसे कि आप में उनके लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो उसको उसके हिसाब से रखिए। अगर उनको इम्यूनिटी डाउन होगी तो बहुत सारी बीमारियाँ शरीर में अंदर होती हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ बाहर से भी, किसी भी कमज़ोर आदमी को ही बीमारियाँ, कमज़ोर जानवर को ही बीमारियाँ चपेट में लेती हैं, तो उससे ही नुकसान होता है। अगर नहीं है तो आप देखिए, बहुत ही निश्चिंत तरीके से फार्मिंग करिए, वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो कीजिए, डिवॉर्मिंग टाइम से कीजिए, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को मालूम होना चाहिए उसको फॉलो कीजिए। एक हर किसी बिजनेस का एक होता है, एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो वैसे ही गोट फार्मिंग का भी कुछ प्रोटोकॉल है जो काफ़ी ज्ञानी लोगों ने, साइंटिस्टों ने निर्धारित कर रखा है, तो उसको आप फॉलो कीजिए। मेजर चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कभी मास मोर्टिलिटी या भारी नुकसान होगा। मतलब लाइव स्टॉक है तो कभी कभी भगवान तो है नहीं, कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही सकता है, हो सकता है, लेकिन इसको मिनिमम करके रखना है अगर अच्छा बेनिफिट गेन करना है तो। अब बात आते हैं सर कि अभी तो बात हुई शेड पे के बारे में, काफ़ी अच्छी बात आपने बताई। अब दूसरी बात आती है कि जब जानवर को रखते हैं तो क्या उसका एक बैलेंस डाइट हो, ताकि जो है जानवरों का ग्रोथ अच्छा हो, तो इसके बारे में बताइए। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। देखिए, शरीर को हर तरह के मिनरल्स और विटामिन चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि कोई एक खाना देंगे तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या है, देखिए, मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसको बैलेंस रखिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अगर डिसबैलेंस होता है तो भी बहुत सारी बीमारियां होती है मेटाबॉलिक, पेट से संबंधित, क्योंकि शरीर को भी वो चीज़ें मिलेंगी नहीं जो चाहिए, ये चीज़ बैलेंस रखिए। उसके बाद से मिनरल्स और विटामिन को बैलेंस रखिए, जो हरे चारे मिलते हैं, अगर हरे चारा सफिशियंट नहीं है तो आपको सप्लीमेंट्स दीजिए उनको, मिनरल मिक्सचर आते हैं वो सब दीजिए, जिससे क्या उनको मिले, कंप्लीट मिले, तो वो आपको जब नॉलेज रहेगा कि हाँ हम क्या दे रहे हैं, उसमें क्या क्या मिल रहा है और क्या बाकी है, तो उसको आप अलग से एक्स्ट्रा फीड कर दीजिए तो वो सही रहेगा। उसमें बैलेंस फीड देना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं है कि कब लोग बोलते हैं कि गाभिन बकरी को अलग दीजिए, बच्चे वाली को अलग दीजिए, छोटे बच्चे को अलग दीजिए, बैलेंस फीड दीजिए उनको, वो सफिशियंट रहेगा। जो गाभिन है उनका रेशियो अप डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस फीड होना चाहिए, चाहे 10 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो, तो ऐसा होना चाहिए। अब बैलेंस फीड देंगे तो क्या है, बकरी के पास बच्चे घर में अच्छे पलेंगे, और वो रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीना दिए उसके बाद एक महीना नहीं है, हाँ, उसको रेगुलरिटी मेंटेन करिए, रेगुलर रखिए उसको, और उससे देखिए आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी गोट फार्मिंग में, और बच्चे भी अच्छा घर में पलेंगे, बच्चा पैदा होंगे उनके माँ के पास दूध होगा तो उनको अच्छे से पलेंगे, फिर आगे जो बच्चे जब दाना अनाज पकड़ेंगे या हरा चारा पकड़ेंगे तो उनको आगे तुरंत बैलेंस फीड स्टार्ट हो जाएगा, उनको स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्या है उनका भी फ्लो टूटेगा नहीं, तो ग्रोथ का भी कभी फ्लो टूटेगा नहीं, और आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। अब बात आती है सर, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे अभी बातचीत के क्रम में ही आपने काफ़ी अच्छी बात बताई कि बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में एक फीड के बारे में आपने बताया था, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बरसात के मौसम में क्या है, बरसात में आपको ऐसा हरा चारा या कोई भी चारा दीजिए, उसको नमी मतलब मुक्त दीजिए, और जो रहने 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 का उनका व्यवस्था है, उनको चाहे आप तख्त लगा दीजिए, चाहे मिट्टी गर्मियों के मौसम में सूखा मिट्टी डलवा दीजिए बरसात से पहले, कि उसको गीले होने होने में बरसात कट जाए, है ना, तो सूखा मिट्टी रहेगा तो बकरियों को एहसास नहीं होगा कि हम बरसात में जी रहे, उसको सूखा वातावरण मिलेगा, उसमें अच्छे से रहेगी बकरी को, मतलब पैर में नमी नहीं लगना चाहिए, उससे बीमारियाँ भी हैं प्लस वो अनकम्फर्टेबल फील करती है, तो उससे क्या होगा कि उनको उससे उसको टेंशन में नहीं आएगी बकरी, उनको लगेगा कि नहीं लगेगा कि हम बरसात में जी रहे हैं, बरसात का मौसम आया है। और उनको खाना भी ड्राई दीजिए, जैसे उसको आप, मैं बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं हरा चारा बकरी का चारा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हरा चारा तो है ही, हरा चारा दीजिए, लेकिन उसका परसेंटेज कम कीजिए बरसात में, और हे पे सीखिए ड्राई फीड पे शिफ्ट कीजिए, हो जाइए बरसात में और सर्दियों में, और जैसे आप हरा चारा और सूखा चारा का रेशियो 1:2 होना चाहिए,
चाहे सूखा चारा वन हो और हरा चारा टू हो, मौसम के हिसाब से चेंज कर लीजिए। गर्मियों में हरा चारा टू कर दीजिए, 1:2 कर दीजिए सूखा चारा के रेस्पेक्ट में, और बरसात में और सर्दियों में सूखा चारा को ज़्यादा कर दीजिए, डबल कर दीजिए, हरा चारा को कम कर दीजिए। उससे क्या है कि बैलेंस भी बना रहेगा और बकरियों के लिए डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, प्लस बकरियों को बीमारियों से भी बचा लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको बारीकियाँ सीखनी पड़ेगी गोट फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बाकी बहुत कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे आपको बहुत घबराने की ज़रूरत है। लोग यूट्यूब पे और जो ट्रेडर हैं बड़े बड़े और जो आजकल बड़े बड़े मास्टर ट्रेनर बन रहे हैं अपने आप को, वो लोग लोगों को डरा के रखे हुए हैं कि लोग इससे डरें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, किसान ही है, आज से नहीं हो रहा, ज़माने से हो रही है। अपने आप दिखा रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे ऐसे अगर बकरियों से लोग फार्मिंग करेंगे तो उनको उनके लिए एक फ़ायदे का व्यवसाय हो सकता है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसी बकरियों से उनको शुरुआत करना चाहिए और क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बकरियों क्वालिटी में देखिए, बकरियों का जो मेन चीज़ है आपको मीट पर्पज़, कोई भी बकरी उसका फाइनली मीट पे उसके बच्चों को या कहीं जाना है, मीट का ही व्यवसाय है। तो उसमें क्या है, आपको ऐसे बकरी को चयन कीजिए जिसका फ्रेम, बॉडी फ्रेम अच्छा हो, है ना, स्ट्रक्चर अच्छा हो, प्लस उसके पास दूध हो, प्लस जेनेटिक्स उसका मतलब उसके एक दो नस्ल पहले के बकरी उसके माँ बाप को पता कीजिए कि कैसी है, वो तब पता चलेगा। आप किसी फार्म से लेंगे तो पता कीजिए कि उसके माँ बाप कैसे थे और उनके पास कैसा दूध था। दूध बहुत ज़रूरी है, दूध अगर बकरी का अडर साइज और उसका स्ट्रक्चर की जो मैं बात किया, अडर साइज रहेगा अच्छा तभी दूध अच्छा होगा। खान पान तो आप कर लेंगे लेकिन उसको आप उसका जेनेटिक्स उसको नहीं बदल सकते, तो इसलिए आपको उसको अच्छा खान पान दीजिए और बकरी जो स्ट्रक्चर जो बात है, स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो दूध अच्छा हो उसके पास और वो दूध पिलाएगी तो बच्चे भी आगे ग्रो करेंगे, और फ्रेम अच्छा रहेगा तो बच्चे भी अच्छे फ्रेम में आएंगे जो जेनेटिकल जो होता है। तो इसलिए आपको ऐसी बकरी सेलेक्ट कीजिए तो वैसी बकरी आपको फार्म पे अच्छा मुनाफा देगी। आपको बकरी पालन में बहुत कुछ जो है ब्रीडर पे भी निर्भर करता है, तो ब्रीडर कैसा होना चाहिए? ब्रीडर कभी भी आप प्योर नस्ल देखिए, बकरी भी नस्ल प्योर नस्ल पे ही रखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं क्रॉस का ये होता है, क्रॉस अगर बकरी रहेगी तो उसका रिजल्ट आपको पता नहीं वो क्या करेगी, उसके बच्चे कैसे होंगे, उसकी इम्यूनिटी कैसा आएगा। क्रॉस ब्रीड का इम्यूनिटी बहुत लो होता है ये माना जाता है। लोग आजकल बोल रहे हैं कि बीटल का ब्रीडर लाएंगे और ब्लैक बंगाल से क्रॉस कराएंगे, वो देखिए कहीं ना कहीं जाके वो फेल होंगे। ये चीज़ है, आप नेचुरल ब्रीडिंग कीजिए, नेचुरल ब्रीडिंग और ब्रीडर प्योर होना चाहिए, और अगर बकरी प्योर मिले तो और अच्छी बात है, है ना। और नेचुरल ब्रीडिंग के लिए और ब्रीडर तो समझ लीजिए कि ब्रीडर तो प्योर होना ही चाहिए और अच्छे मतलब कद काठी फ्रेम और हेल्थ का होना चाहिए, प्लस उसको ये होना चाहिए कि ज़्यादा बच्चों वालों में से वो बच्चा हो, मतलब उसके कलीग्स मतलब जो होते हैं ट्विंस या ट्रिपलेट्स में से वो बच्चा हो, ऐसा होना चाहिए कि इसका मतलब जेनेटिक्स ये रहे कि वो ज़्यादा बच्चों का मतलब बाप बन सके, ऐसा है। प्लस एग्रेसिव होना चाहिए, प्लस उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसका नस्ल जो खूबसूरती होता है सब ब्रीडर में देखा जाता है, जो बहुत सारी बारीकियाँ समझाई जाती है लोगों को, वो सब चीज़ देख करके ब्रीडर सेलेक्ट कीजिए। ब्रीडर का रोल फार्मिंग में मैं तो 100% मानता हूँ, लेकिन 90% तो माना ही जाता है कि ब्रीडर अच्छा रहेगा तभी आपका गोट फार्म अच्छा से ग्रोथ करेगा, अच्छे से चलेगा और बच्चे सर्वाइव करेंगे। देखिए बच्चा ऐसा नहीं है कि बीटल का बच्चा ले ब्रीडर ले लिए, बकरी ब्लैक बंगाल के लिए बच्चा दिया तो ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव करेगा। अगर प्योर नस्ल का रहेगा तो वो उसका सर्वाइवल का रेट ज़्यादा होता है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मोटा बच्चा या बड़ा बच्चा दे दिया तो उसका सर्वाइवल रेट अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी लो रहेगा तो कितना मोटा बच्चा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब बात आती है सर कि जैसे वैक्सीनेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बकरी पालन में, लोग सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं करते और कहीं ना कहीं नुकसान का ये भी कारण होता है, तो कैसे वैक्सीनेशन का कैसे शेड्यूल लोग करके रखे वो बताइए। देखिए वैक्सीनेशन का लोग बोलते हैं इस महीने में करना चाहिए, उस महीने में करना चाहिए। देखिए अगर बकरी आपकी वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके लिए कोई महीना नहीं है, उसको तुरंत वैक्सीनेशन कीजिए। जब आपके पास बकरी आई तो ये मत देखिए कि ये महीना आएगा तो टाइम उसका शेड्यूल है, शेड्यूल कुछ नहीं होता है। बकरी को जो भी वैक्सीन इंपॉर्टेंट वैक्सीन है उसको जो शेड्यूल टाइम है कि इतने गैप के बाद ये लगाइए, इतने गैप के बाद ये, बस गैप मेंटेन कीजिए और लगातार वैक्सीन कर दीजिए। और वो सब जो उसका वो सावधानियाँ देखनी है कि प्रेगनेंसी में कौन सा सेफ है कौन सा नहीं है, ये सब ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन तो कंप्लीट कीजिए। 3 महीने 4 महीने के बाद से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम लोग है 3 महीने 4 महीने के बाद स्टार्ट कर देते हैं, 8 महीने तक कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ही किसी को देते हैं कि अगला 100 बीमार वाले बकरी में भी अगर हमारे बकरों को ले आकर खड़ा कर दिया तो उसको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। ऐसा इम्यूनिटी डेवलप करके बकरी को रखना चाहिए, तो उसके लिए क्या है आप आँख बंद करके भी फार्मिंग कर सकते हैं। वैक्सीनेशन बिना वैक्सीनेशन के तो समझ लीजिए कि आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते, 2-4-10 कर सकते हैं, अगर 100, 200, 400 कर रहे हैं तो बिना वैक्सीनेशन के समझ लीजिए कि वो बकरियाँ आपकी नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती हैं। अब बात आती है सर कि जैसे लोग क्रॉस करवाते हैं और बकरियाँ प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान देखिए सबसे पहले तो प्रेग्नेंट कराने के लिए पहले आपको बकरी को तैयार करना पड़ता है, उसका बॉडी स्कोर चेक करिए, उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई मिनरल विटामिन का डेफिशिएंसी तो नहीं है,
तो अगर अच्छे तरीके से अगर मतलब बकरी कंप्लीट है तब उसको मतलब क्रॉस कराइए, ब्रीडिंग कराइए। ब्रीडिंग कराने के बाद उसको आपको क्या करना है कि उसके बाद से एक महीने तक थोड़ा नॉर्मल डाइट पर रखिए, एक महीना नॉर्मल डाइट पर रखिए कि वो कंसीव कर ले, क्लियर हो जाए कि आपकी बकरी सही है। बैलेंस डाइट तो देना ही है लेकिन नॉर्मल डाइट पर रखिए उसको। एक महीने बाद जब कन्फर्म हो जाए, 20 दिन 21 दिन बाद कन्फर्म हो ही जाता है, कन्फर्म हो जाए तो उसके बाद से आपको उसका केयर करना है। आपको लोग बोलते हैं गाभिन बकरी को डिवॉर्मिंग नहीं करना चाहिए, जहर होता है, कीड़े की दवाई जहर होता है, बच्चे को नुकसान करेगा। उसके लिए भी देखिए एक्सपर्ट लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने डिवॉर्मर बनाया है। उससे क्या होता है कि डिवॉर्मिंग करेंगे तो बच्चे भी अंदर से फ्रेश पैदा होते हैं, प्लस लीवर टॉनिक मंथली दीजिए उनको तो उनका लीवर हर चीज़ जेनेटिक सब कुछ मजबूत होकर आता है। तो वो बच्चे में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। और जब कीड़े की दवाई दे करके नहीं उनको मतलब डिवॉर्मिंग करके नहीं, गर्भकाल में अगर डिवॉर्मिंग नहीं करते बच्चे ऑलरेडी माँ के पेट से ही कीड़े लेके आएंगे पेट में, वो 15 दिन तक जी नहीं पाते। अच्छा, तो अगर डिवॉर्मिंग किए तो बच्चे ये तो है कमज़ोर आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पेट में कीड़ा नहीं है और बच्चा का इम्यूनिटी अच्छा है तो बच्चा सर्वाइव करेगा। और डिवॉर्मिंग का खास ध्यान रखिए, उसके बाद से मिनरल विटामिन का, क्योंकि जब बकरी गाभिन होती है तो 3 महीने तक तो मान लीजिए चलता है, ठीक रहता है, लेकिन 3 महीने के बाद जो उसका पेट में बच्चा बड़ा होता है तो स्पेस कवर करता है। स्पेस कवर करता है तो क्या है कि उसका पेट जो खाने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है, भूख तो रहेगा लेकिन खाएगी कम, बकरी कम खाएगी, और उस टाइम में डिमांड बकरी का डबल रहता है, मतलब एनर्जी का डिमांड डबल रहता है और खाना कम खाती है, इंटेक ज़्यादा और डिमांड ज़्यादा रहता है, मतलब कम रहता है और डिमांड ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या होता है बकरी कमज़ोर होती है, खाना कम खाएगी, सुस्त रहेगी क्योंकि एनर्जी नहीं रहता है। और उसमें बकरी को भी पेट पालना है, अपना भी शरीर पालना है, बच्चा भी पालना है, अपना भी पालना है, तो उस टाइम में बकरी को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें आपको एनर्जी का जो सप्लीमेंट है वो दीजिए, या आपको ये गुड़ हो या जो भी मतलब ऐसा चीज़ दीजिए जिससे उसका एनर्जी पूरा रहे, जिससे ये मिल्क फीवर या किटोसिस टाइप की बीमारियाँ जो होती हैं जो बड़ी खतरनाक होती है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं और कब नर्वस रूप धारण करेगी और कब ले जाएगी बकरी को, मॉर्टिलिटी हो जाएगी बच्चे की भी और माँ की भी। तो ये सब मतलब प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा ध्यान रखना जरूरी है। उसमें आपको आयरन टॉनिक दीजिए, कैल्शियम दीजिए, मल्टी विटामिन दीजिए, हर तरह से बकरी को मजबूत रखिए। मजबूत रखेंगे तो ऐसा नहीं उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, वो खर्च आपको बच्चे जब बचेंगे ना तो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं और बहुत अच्छा रेट देती है देते हैं वो बच्चे बहुत अच्छा। जब बकरी और बच्चे अच्छे तैयार होंगे ना, चाहे किसी भी नस्ल पर काम कर रहे हैं, चाहे ब्लैक बंगाल पर कर रहे हैं, बर्बरी पर काम कर रहे हैं, किसी भी नस्ल पर काम कर रहे हैं, बच्चे अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खूबसूरत दिखेंगे तो कोई भी आएगा तो आपके आपके डिमांड पर आपको वो खड़ा उतरेगा, देगा पैसा। अब बात आती है सर कि जैसे प्रसव के दौरान भी कुछ खास ख्याल रखना होगा तो उसके बारे में बताइए। प्रसव के टाइम देखिए, पहले तो बकरी जब लगे कि 2-4 दिन हो गया, टाइम है बच्चे देने में, आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे वो भी ज़रूरी है, करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस दिन क्रॉस हुई तो प्लस माइनस 5 डे के अंदर में ही वो बच्चे देती है। तो उस टाइम में बकरी को अगर आपके पास स्पेस है तो थोड़ा उसको सेपरेट कीजिए, आइसोलेट कीजिए। उसमें क्या है, बकरी थोड़ा टेंशन स्ट्रेस में होती है, प्रेगनेंसी खुद में एक स्ट्रेस है, तो उसको साइड में उसको करिए कि थोड़ा किनारे रहे, अलग महसूस करे, और उसको थोड़ा मालिक जो है जो उसको पालता है बकरी को उस टाइम उसको वो तलाश करती है अपने हेल्प के लिए, तो आप जाइए उसको थोड़ा दुलार प्यार कीजिए बकरी को, तो उसको लगेगा कि मालिक हमारे साथ है, तो फिर वो थोड़ा स्ट्रेस को अपने को कम कर लेती है। और उसके बाद से किनारे रखिए उसको, उसके बाद 2-3 दिन जब बच्चा दे उसका जगह जो है साफ़ सुथरा और थोड़ा मुलायम गद्देदार बनाइए, जैसे पराली उराली डाल के गद्देदार बनाइए, और उसमें उसको लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छे जगह पे हूँ, और साफ़ सुथरा हाइजीन मेंटेन कीजिए।